नमस्कार, मैं हूं हिमा कनौजी और स्वागत है आपका फरीदाबाद टाइम्स में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फरीदाबाद की पहली खबर से। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में लापरवाही का मामला सामने आया है। सचिवालय के मुख्य द्वार में लगी मेटल डिटेक्टर मशीन के पास कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं होता है। यहां से कोई भी निकल सकता है, हालांकि मशीन अपना काम सही तरीके से कर रही है, लेकिन सरकारी मशीन के हालात ज़्यादा खराब दिख रहे हैं। वहीं आम लोगों की बात करें तो वो भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। जिला उपायुक्त के दफ्तर के पास ही पान गुटखा खाकर थूकने वालों ने दीवारें गंदी कर रखी है। MDU यूनिवर्सिटी रोहतक के नए तुगलकी नियमों के खिलाफ विरोध की चिंगारी अब पूरे शहर में लग चुकी है। अब तक सिर्फ छात्र ही सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे, अब छात्राओं ने भी सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। फाइनल ईयर में एडमिशन ना होने के चलते नेहरू कॉलेज की छात्राओं और युवा आगा संगठन ने मैकपाई स्थित नेशनल हाईवे पर पहुंचकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना था कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चला रही है, वहीं MDU यूनिवर्सिटी रोहतक के नए तुगलकी नियमों के लागू होने से उनका भविष्य अधर में लटक रहा है। इस मौके पर युवा आगाज संगठन ने चेतावनी दी कि यदि यूनिवर्सिटी ने अपना तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया तो वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। हमारी मांग ये है कि जब हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो हमें हमारे जो फॉर्म भरे गए थे उसमें लिखित में ऐसा कोई रूल नहीं था कि अगर तुम्हारे फर्स्ट सेम में अगर री होगी तो हमारे फाइनल में एडमिशन नहीं होगा। MDU ने अपने आप रूल निकाल दिया, सिर्फ बच्चों को परेशान करने का यह जरिया है। और मैं ये कहूंगी कि MDU अपने रूल को तोड़े, वरना ये MDU के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगी कि सरकार, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सबसे पहले बेटियों को पढ़ाओ और लिखाओ, और आज बेटियों को ये हालत है कि लड़कियां अपने हकों को मांगने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है, फिर भी MDU यूनिवर्सिटी और प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो मेरी बहन अभी बोल के गई है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हमें जब हमें एडमिशन लिए थे फर्स्ट ईयर में, तब हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी कि आपको फाइनल में प्रमोट नहीं किया जाएगा अगर आपने फर्स्ट सेम क्लियर नहीं किया गया तो। और हमें अब इससे हम 12 कम से कम पूरे फरीदाबाद में 1200 से भी अधिक विद्यार्थियों का भविष्य है जो वो, उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। MDU से ये गुजारिश की जा रही है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, इस रूल को वापस ले ले या इस रूल को तोड़ दे, ताकि जो हमारे ये छात्र हैं छात्राएं हैं इन सभी का भविष्य बच जाए। और जितने भी इस, अगर ये रूल जल्दी वापस नहीं लिया गया तो बहुत सी छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा और उनकी पढ़ाई का कोई भी मोल नहीं रहेगा। सर देखिए, हम पिछले 5 साल से छात्रों के को लेकर युवा का संगठन काम कर रहा है। कांग्रेस सरकार थी जब भी यही मुद्दे थे, यही परेशानी थी। 2 साल सरकार को बने हो गए BJP के, लेकिन फिर भी वही मुद्दे हैं। अभी सरकार ने और MDU ने एक तुगल कर एक फरमान जारी किया है कि फर्स्ट ईयर में जिस छात्र की री है अगर वो फाइनल सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा। मैं बता दूं, इस नियम को लेकर हमने युवा का संगठन ने DC से लेके, यहाँ के लोकल विधायकों से लेके, मंत्री से लेके, CM साहब से लेके, पलवल DC से लेके, शिक्षा मंत्री से लेकर सबको ज्ञापन दे दिया जा चुका है। फरीदाबाद पुलिस ने रुकवाई नाबालिग की शादी। मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी का है, जहां देर रात 16 साल की एक लड़की की उसके परिजन शादी करवा रहे थे, लेकिन लड़की की मां की शिकायत पर एक महिला सुरक्षा अधिकारी और शहर थाना पुलिस ने शादी को रुकवा दिया। पुलिस और प्रशासन ने साफ तौर पर दोनों पक्षों के ये चेतावनी दी कि यदि रुकवाने के बाद भी शादी करवाई गई तो दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। पलवल के होडल उपमंडल में हसनपुर चौक के पास बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज पर मजदूरी करने वाले एक मजदूर की हैजा लगने से मौत हो गई। वीरवार रात उसे उल्टी दस्त की शिकायत होने पर इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन उल्टी दस्तों की तीव्रता को देखते हुए उसे इलाज के लिए पलवल के सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। यहां भर्ती होने के कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव साथी मजदूरों के हवाले कर दिया। रेलवे ब्रिज का काम चल रहा था, वहाँ पे खाना बनाने का काम करता था। इसका नाम कुड़िया मेल गाड़ी है, झारखंड का रहने वाला है, और इसके 2-3 दिन से काफ़ी उल्टी दस्त की शिकायत बता रहे हैं। तो इस बिना पे वो वहाँ पे दवाई भी चल रही थी, इसकी दवाई ले रहा था कि कहीं से अपनी, तो कल उसकी इस कारण से बहुत। क्या कार्रवाई की आपने? 174 का। कितनी उम्र होगी मृतक की? उसकी होगी 50 पाउंड के लगभग। फरीदाबाद टाइम्स में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे फरीदाबाद की कुछ और खास खबरों की तरफ।
खुशी मिलती है जब आपके सपने में जुड़ जाए कोई आपके साथ। सत्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पलवल ऑफर्स फ्री टेक्निकल एजुकेशन टू 100 गर्ल्स एवरी ईयर। हमारी बेटी हमारी शान, अ कंट्रीब्यूशन इन पीएम्स मिशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आप सेक्स समस्याओं से परेशान हैं या परेशान हैं गुप्त रोगों से? क्या आपको परेशान करती है दौरा, मिर्गी, श्वास, गठिया, वाय, सफेद दाग, जोड़ों का दर्द जैसी बीमारियां? तो फिर क्यों होते हो परेशान? क्योंकि हमारे पास है आपकी इन समस्याओं का समाधान। तो चले आइए, सेक्स समस्याओं, शुक्राणु की कमी, धात जाना, निसंतान, ल्यूकेरिया, नाम मर्दी, बवासीर जैसी बीमारियों के सफल इलाज एवं सुखी विवाहित जीवन के लिए डॉक्टर सागर से मिले। हरियाणा सरकार द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्टर सागर क्लिनिक समिति, रसूलपुर फाटक पलवल। संपर्क करें 8397002464। जीवा आयुर्वेद लाया है आपके लिए कुछ विशेष उत्पाद। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, हनी व एलोवेरा जूस, जोड़ों के दर्द के लिए पेन काम ऑयल, बालों को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए ब्लैक पर्ल व नीम शैम्पू, महिलाओं में मासिक स्राव, हार्मोन्स और फर्टिलिटी को संतुलित रखने के लिए नारी सखी कैप्सूल्स, त्वचा के प्राकृतिक निखार व सुंदरता को बढ़ाने के लिए फेयरनेस किट, रोज वाटर प्लेन, सेफ्रॉन व टर्मरिक क्रीम। तो आज ही जीवा आयुर्वेदा के इन उत्पादों को अपनाएं और अपना जीवन स्वस्थ, सुंदर व सफल बनाएं। लॉग ऑन करें store.jeeva.com या संपर्क करें अपने नजदीकी रिटेलर पर। द इंग्लिश मीडियम बोहरा पब्लिक स्कूल इज लोकेटेड एट ईस्ट चावला कॉलोनी इन बल्लभगढ़। The school and affiliated of Central Board of Secondary Education. The well-qualified and experienced teachers of the school devote all their attention to develop the academic interest and other skills of the students. At the same time, they are particular in enhancing the character building and blossoming the innate skills of the students. Indeed, the Bohra Public School has excellent ambience for the promising students with immense scope for personality development of its students. Needless to add, the school possesses maximum modern facilities of model school. So let your wards join the innovative and favorable climate of Bohra Public School. We welcome you. ब्रेक के बाद चलिए रुक करते हैं फरीदाबाद की कुछ और खबरों की तरफ। पलवल जिले के गांव खांबी में खेत में मजदूरी के बाद पेड़ के नीचे आराम कर रहे 30 वर्षीय मजदूर की सांप के काटने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर धारा 174 की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। कल ये शाम को धान लगा के आ रहे थे अपने घर के लिए, राम बाबू कहने लगा कि मुझे थक गया हूं और मैं बैठ जाऊं थोड़ी देर, ये तो वहां बैठ गया। उसके बाद इसी का पड़ोसी है जो खेत में प्रेम, उसने आके खेत में देखा तो ये राम बाबू है, मुँह से झाग दे रहा था। और जब इसने पूछा कि क्या हो गया, लोग कह रहा था मेरे को शायद सांप ने काट लिया और इसको आंखों में अंधेरा छा गया था। इसकी इतला इसके पिताजी को दी तो इस आपको हमने इलाज के लिए लाए थे, तो रास्ते में ही इसका दम तोड़। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश आफत बन चुकी है। रीवा, सतना, भोपाल समेत कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर शिवराज सरकार ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में बाढ़ से निपटने के लिए सभी प्रयासों पर मंथन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के लिए 1079 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मैदान में पड़ने पर राहत शिविरों में लोगों को ठहराया जाएगा। नर्मदा जी के खतरे के निशान से ऊपर जाने की संभावना है, जिसके कारण होशंगाबाद की दो बस्तियों को खाली कराने की कार्रवाई जो निचली बस्ती की जा रही है। परिस्थितियां से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मैदान में है, मुस्तैद है। पूरे प्रदेश में हमने 366 होमगार्ड के रेस्क्यू सेंटर बनाए हैं। SDRF बेहतर काम कर रही है। अगर कोई फंस जाए बचाने के लिए तो उसका नंबर है 1079। हाँ, कभी भी कोई भाई बहन ऐसी आपात स्थिति में फोन कर सकते हैं, रेस्क्यू टीम तैयार हैं।
शिवसेना ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर जाकिर नाइक पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि ढाका आतंकी मामले में शामिल दो युवक डॉक्टर जाकिर नाइक के विचारों और भाषणों से प्रभावित थे, जिसकी वजह से भारतीय राजनीति में भी कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने विवादास्पद भारतीय इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जाकिर नाइक का पुतला जलाकर अपना रोष प्रकट किया है। हो चुकी है, ऑलरेडी ये क्लियर हो चुका है कि इसने आतंकवादियों का साथ दिया था और शिवसेना इस बात पे दृढ़ है, शिवसेना इस बात के ऊपर दृढ़ है कि अगर इसको गिरफ्तार नहीं गया तो बड़े पैमाने पे हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरे देश का शिव सैनिक जो है सड़कों पर उतरेगा और इसी गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करेगा। इसीलिए आज शिव सैनिक सड़कों पे उतरा है, सरकार को जगाने के लिए उतरा है कि गिरफ्तार करो आतंकवादियों को, हिंदुस्तान में अब शिवसेना हिंदुओं के ऊपर और अत्याचार नहीं होने देगी। नहीं, कमी हमें ये लग रही है कि जब हम एक बार एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें स्पष्ट आ गया कि ये आदमी जो बयान दे रहा आग उगल रहा है, आग उगलने के बावजूद भी हम उस आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। उसका चाहे उसने चैनल दे रखा है, इतनी फैसिलिटी दे रखी है, इतने कमांडो दे रखे हैं, अगर उग्रवादियों की सपोर्ट करने वाले को हम कमांडो दे देंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली पावर बढ़ती जाएगी। अभी आपने आपको 2 मिनट पहले वर्ड बोले कि गीता जो सबसे पवित्र मानी जाती है हिंदुओं की, उसके अपराध उसने उसी का उल्टा ही अनुवाद कर दिया कि उसके अर्जुन को नापस कह दिया, ये कह दिया। तो मेरा कहने का मकसद है जो आदमी ऐसे स्टेज पे खलो के किसी एक के नहीं, उसने बाइबल को भी उसने गलत कह दिया। अगर मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता तो मैं ये भी कहूंगा कि गुरु ग्रंथ साहब के लिए भी कल वो उठ के ये कह देगा कि गुरु नानक जो बाणी है वो गलत है। तो उसने खाली एक अपनी ये सिर्फ उसने अपने कुरान का ये कहा कि सबसे जो बड़ा गुरु है, जो सबसे जो अच्छी है वो कुरान है, बाकी जो गीता है या बाइबल है वो सब बकवास है। तो ऐसे आदमी को अगर कार्रवाई, हम तो ये करेंगे इस आदमी को फांसी की सजा दे दी चाहिए और सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए। ये उग्रवादी बाकी भी आते हैं, गोलियां चलाते हैं, लेकिन ये तो शर्म स्टेज से गोलियां चला रहा है और इतनी पब्लिक के साथ इतना कुछ वो करने के बावजूद ही, हम तो ये शिवसेना वाले चाहे पूरी ऑल इंडिया में, अगर जब तक ये आदमी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, इसके ऊपर केस नहीं चलाएंगे, शांति। फरीदाबाद टाइम्स में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए BVM News के साथ। नमस्कार।